हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल योर फ्रेंड प्रतिभा। आप सभी कैसे हैं? आई होप यू गाइस आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आप सभी का स्वागत है प्रतिभा यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड, आज मैं आप सभी के साथ लेके आई हूँ कुछ स्पेशल सा इंटरेस्टिंग सा वीडियो। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले फ्रेंड, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए विद बेल बटन के साथ। और अगर ये वाला वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि ये वाला वीडियो आपको कैसा लगा। जो भी मेरे सब्सक्राइबर हैं, मेरे वीडियो को देखते हैं, लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, उनको तहे दिल से शुक्रिया। थैंक यू सो मच। आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं फ्रेंड। तो आज मैं आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ बहुत ही टेस्टी सी स्वादिष्ट सी मिठाई, जो कि है पनीर और दूध से बनाई जाने वाली मिठाई और उसका नाम है कलाकंद। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कलाकंद बनाने के लिए सबसे पहले फ्रेंड हम ले रहे हैं 2 लीटर मिल्क और उसको फाड़ लेते हैं, उससे बनाते हैं पनीर। और फ्रेंड दूध को फाड़ेंगे विनेगर से। तो चलिए फ्रेंड पहले पनीर बना लेते हैं। और पनीर को बनाने के लिए पहले दूध को अच्छे से पका लेंगे, एक दूध में उफान आ जाए इतना हमें गर्म करना है। उसके बाद हम इसमें विनेगर ऐड करेंगे जिससे कि अच्छे से पनीर फट सके, अच्छे से हमारा पनीर बन सके। तो यहाँ पे मेरा जो दूध है अच्छे से पक गया है। और फ्रेंड अब मैं इसमें ऐड करूँगी विनेगर, वाइट वाला विनेगर। तो ये आप देख सकते हैं और ये मैंने डाल दिया है और हमारा पनीर अच्छा सा बन गया है। तो इसको अब हम छान लेंगे और कपड़े में बांध के इसका जो एक्स्ट्रा वाटर होगा वो भी निकाल लेंगे। एक कॉटन का कपड़ा लेंगे फ्रेंड और उसमें सारा पनीर उसमें रख देंगे और 30 मिनट के लिए कहीं पे टांग देंगे जिससे कि इसमें जो भी एक्स्ट्रा वाटर होगा वो निकल जाएगा। और रेडी है हमारा होममेड पनीर। पनीर बनने के बाद फ्रेंड अब हम 2 लीटर और यहाँ पे मैं दूध ले रही हूँ। आपको जितना बनाना है उतनी क्वांटिटी के हिसाब से लीजिए। तो मैं यहाँ पे 2 लीटर मिल्क ले रही हूँ। इसको गाढ़ा सा कर लेंगे, गाढ़ा सा पका लेंगे। तो आप देख सकते हैं 1 लीटर से भी कम हो जाए। उसके बाद अब हम नेक्स्ट प्रोसेस करते हैं। तो जो हमने पनीर बनाया था उसको मैं स्मूथ सा कर लेती हूँ। तो उससे पहले इसको मैं ग्राइंड करूँगी, कस लूँगी इसको। खाने में ये मिठाई फ्रेंड बहुत ही टेस्टी है, सॉफ्ट है, इसलिए इसका नाम रखा गया है कलाकंद। पनीर को कद्दूकस करने के बाद फ्रेंड इसको इस तरीके से, इसकी हेल्प से इस तरीके से दबाएंगे जिससे कि ये हमारा जो पनीर है एकदम सॉफ्ट हो जाए, एकदम आटे की तरह। तो इसको एकदम फाइन सा कर लीजिए। पनीर को स्मूथ करने के बाद फ्रेंड अब हम मिल्क में, ये आप देख सकते हैं, 1 कप चीनी ऐड कर रही हूँ और इसके बाद 1/2 कप चीनी मैंने और ऐड की है और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और इस बात का ज़रूर ध्यान रखें फ्रेंड, जब हम मिल्क जब थोड़ा रह जाए तभी हम चीनी डालें। पनीर को मिक्स करने के बाद आप चीनी को ऐड ना करें, जिस नहीं तो फ्रेंड क्या होगा, कलाकंद है उसको खाएंगे तो मुंह में चीनी आएगी तो वो अच्छी नहीं लगेगी। तो इसलिए फ्रेंड जब हमारा मिल्क थोड़ा सा रह जाए तभी हम चीनी को ऐड कर लेंगे। यहाँ पे फ्रेंड देख सकते हैं हमारी चीनी अच्छे से मिक्स हो गई है और अब हम ऐड करेंगे इसमें पनीर। फ्रेंड पनीर को थोड़ा थोड़ा करके आप ऐड करिए और मिक्स करते जाइए, चलाते जाइए। कलाकंद की मिठाई हमारे घर में सभी को पसंद है और घर पर बनाई हुई मिठाई या फिर फूड हम सभी बहुत साफ़ सफाई से बनाते हैं तो बहुत ही हेल्दी भी होती है, वो सब हम सभी जानते ही हैं। इस मिठाई को बनाना भी आसान है तो जब भी मन करे आप बना के खा सकते हैं। तो यहाँ पे फ्रेंड मैंने पनीर को पूरा ऐड कर दिया जितना भी था और इसको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। अब जब तक इसको चलाते रहेंगे, जब तक कि ये मिल्क और पनीर जो है हमारा अच्छे से मिक्स ना हो जाए। तो आप देख सकते हैं हमारा पनीर और मिल्क बढ़िया से मिक्स हो गया है। यहाँ पे फ्रेंड आप देख सकते हैं कि जो पनीर है और मिल्क दोनों बिल्कुल भी अलग अलग नहीं लग रहे हैं, दोनों अच्छे से मिक्स हो गए हैं। तो यहाँ पे ये हमारी बन चुकी है कलाकंद।
फ्रेंड गैस को करते हैं ऑफ और अब हम अपने जो कलाकंद है उसको प्लेट में निकाल लेते हैं। और तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने प्लेट में निकाल लिया है कलाकंद को और अब करते हैं इसको गार्निश। तो आप देख सकते हैं गार्निश करने के लिए मैंने यहाँ पे आलमंड और पिस्ता यूज़ किया है। तो आप कोई भी ड्राई फ्रूट्स को यूज़ कर सकते हैं। 10 मिनट के लिए फ्रेंड इसको छोड़ दीजिए जिससे कि थोड़ा सा ये ठंडा हो जाए। फ्रेंड मैं इस मिठाई को कट कर रही हूँ तो आपको पता चल रहा होगा कि ये कितनी सॉफ्ट है। तो ये बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट मिठाई होती है, तो इसको आप ज़रूर एक बार ट्राई करिएगा, घर पर बनाइएगा और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपकी जो मिठाई कलाकंद कैसी बनी हुई है और आपको कैसी लगी है। तो फ्रेंड हमारे यहाँ पर सभी लोग खाना स्टार्ट कर दिए हैं क्योंकि इतनी सॉफ्ट सॉफ्ट मिठाई है तो कौन कंट्रोल कर सकता है, कौन रुक सकता है बिना खाए। तो हमारे यहाँ सभी लोग खाने लगे हैं। तो मैं यहाँ पे आपको तोड़ के दिखाती हूँ कितनी सॉफ्ट है ये। तो फ्रेंड देख सकते हैं बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है, तो इसको आप एक बार ट्राई करिए। रेडी है फ्रेंड हमारी सॉफ्ट एंड टेस्टी कलाकंद। फ्रेंड इसी तरीके से आप अपना सपोर्ट और प्यार बनाए रखिए जिससे मैं आप सभी के साथ और भी नए नए इंटरेस्टिंग वीडियो शेयर कर सकूं। अगर फ्रेंड आपको ये वाला वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि ये वाला वीडियो आपको कैसा लगा। और अगर फ्रेंड आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए विद बेल बटन के साथ, जिससे हमारे आने वाले सभी वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फिर मिलते हैं फ्रेंड एक नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। बाय, टेक केयर।